पाली जिले के जैतारण थाना पुलिस के द्वारा जिला पाली का 5,000 रुपये का मोस्ट वांटेड फरार इनामी हार्डकोर वेस्टी सीटर मुलजिम देवाराम पिंडेल को गिरफ्तार किया है। हार्डकोर वेस्टी सीटर मुलजिम देवाराम पिंडेल एनआरपी ग्रुप का मुख्य गुर्गा है। मुलजिम देवाराम पिंडेल एवं महेंद्र नेहरा हत्या के प्रयास के प्रकरण में फरार थे। हार्डकोर वेस्टी सीटर देवाराम पिंडेल एनआरपी ग्रुप एवं चतुरराम जाखड़ सीआर ग्रुप के आमने सामने गैंगवार हो चुकी है। हार्डकोर एमएसटी सीटर देवाराम पिंडेल ने सीआर ग्रुप के चुतराराम जाखड़ पर किया था फायर। एनआरपी गैंग एवं सीआर गैंग आमने सामने अपने वर्चस्व को लेकर करते हैं गैंगवार। वहीं आरोपियों को गिरफ्तार करने में जैतारण पुलिस थाना के कांस्टेबल दिलीप सिंह की विशेष भूमिका रही है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गगनदीप सिंगला आईपीएस ने बताया कि आदेश क्रमांक पाली MOB इनाम 2022/31/18-32/05 दिनांक 20/7/2022 के अनुसार जिले में 5 हिस्ट्री सीटर एवं हार्डकोर फरार प्रत्येक मुलजिमानों की गिरफ्तारी पर 5,000 रुपयों का नकद इनाम घोषणा की थी। उक्त आदेश के निर्देशानुसार थाना जैतारण के फरार हार्डकोर एवं हिस्ट्री सीटर मुलजिम देवाराम पिंडेल एनआरपी ग्रुप की धरपकड़ एवं गिरफ्तारी के लिए बुगलाल मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पाली सुखाराम बिश्नोई वृत्ताधिकारी व्रत जैतारण के निकटतम सुपरविजन में दिनेश कुमाऊत निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना जैतारण के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम द्वारा अथक प्रयास कर थाना आजा के हार्डकोर एवं हिस्ट्री सीटर इनामी मुलजिम देवाराम पिंडेल पुत्र चैनाराम जाति जाट उम्र 24 साल निवासी रामावास कला पुलिस थाना जैतारण जिला पाली को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने में कांस्टेबल दिलीप सिंह पुलिस थाना जैतारण जिला पाली की सराहनीय भूमिका रही है। प्रकरण संख्या 291/2022 दिनांक 21/6/2022 धारा 143 341 307 427 भारतीय दंड संहिता पुलिस थाना जैतारण जिला पाली में गिरफ्तार कर अनुसंधान जारी है। प्रकरण हाजा में पूर्व में मुलजिम राकेश जाखड़ अल्ताफ खान को गिरफ्तार किया जा चुका है एवं घटना में प्रयुक्त वाहन बोलेरो कैंपर नंबर RG22GB3543 को जब्त किया गया। घटना में प्रयुक्त अवैध देसी पिस्टल बरामदगी के पुलिस के प्रयास जारी हैं। घटना का सारांश दिनांक 21/6/2022 को प्रार्थी चुतराराम जाखड़ पुत्र सरदार राम जाखड़ जाति जाट निवासी रामावास खुर्द तहसील जैतारण जिला पाली ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मैं अपनी बोलेरो कैंपर लेकर दिनांक 20/6/2022 को रात 8:30-9 बजे के बीच करीब जैतारण से अपने गांव रामावास खुर्द जाने के लिए निकला। साथ में मेरे दो मित्र राहुल मुंडेल पुत्र तेजाराम मुंडेल निवासी पिपलिया बेरा जवासिया पिपाड़ शहर तथा अभिषेक सिंह पुत्र उमेश सिंह निवासी पिपाड़ सिटी थे। रास्ते में रामावास खुर्द जाते समय पेट्रोल पंप के नज़दीक काफ़ी कलर की बोलेरो कैंपर नंबर RG22GB3543 मेरी गाड़ी को क्रॉस करते हुए निकली, जो आगे जाकर राजीव सेवा केंद्र रामावास कला के पास खड़ी थी। जो ही मैं गाड़ी लेकर राजीव गांधी सेवा केंद्र के पास लगभग 9 बजे पहुंचा तो मेरी गाड़ी के सामने उक्त बोलेरो कैंपर को आड़ी फेर कर देवाराम पुत्र चैनाराम पिंडेल निवासी रामावास खुर्द राकेश पुत्र चिमनाराम जाट रामावास खुर्द महेंद्र नेहरा निवासी रामर बेरा मालपुरिया व अल्ताफ व उनके साथ 2-3 अन्य व्यक्ति थे, जो गाड़ी से उतरकर मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने की नीयत से पिस्टल से मेरी गाड़ी पर फायर किया। जो मेरी गाड़ी पर लगा तब मैं वहां से अपनी गाड़ी लेकर निकलने लगा तो मुलजिमानों ने लगिए व सरिये से मेरी गाड़ी पर हमला किया। तब मैं अपनी जान बचाकर वहां से अपनी गाड़ी लेकर निकल गया वगैरह। रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 291/2022 दिनांक 21/6/2022 धारा 143 341 307 427 भारतीय दंड संहिता पुलिस थाना जैतारण जिला पाली में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया था। गिरफ्तार मुलजिम जिनमें देवाराम पिंडेल और देवा पुत्र चैनाराम जाति जाट उम्र 22 साल निवासी रामावास कला पुलिस थाना जैतारण जिला पाली व महेंद्र नेहरा पुत्र मिसिलाल जाति जाट उम्र 23 साल निवासी
मालपुरिया पुलिस थाना जैतारण जिला पाली को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं इस कार्रवाई में पुलिस की गठित टीम में दिनेश कुमावत निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना जैतारण, दिलीप सिंह कांस्टेबल पुलिस थाना जैतारण जिनकी विशेष भूमिका रही है, सुरज्ञान कांस्टेबल पुलिस थाना जैतारण, संजय पोसवाल पुलिस थाना जैतारण, राजेंद्र कांस्टेबल पुलिस थाना जैतारण, बलराज सिंह कांस्टेबल पुलिस थाना जैतारण, शिवनारायण कांस्टेबल पुलिस थाना जैतारण, विकास कांस्टेबल पुलिस थाना जैतारण, दलेल खान कांस्टेबल पुलिस थाना जैतारण गठित टीम में शामिल रहे।